हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। ये वर्कशीट रहेगी 8th क्लास के लिए एंड द वर्कशीट नंबर इज 6 एंड द डेट इज 12th अक्टूबर 2020। योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं आप, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट रहेगी आपकी पार्ट 2nd ऑफ लेसन सुनामी, जो कि लेसन सुनामी कौन सा चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 2nd है और ये आपकी हनी ड्यू बुक से लिया गया है। इससे पहले वर्कशीट में आपने जो पार्ट 2 में क्या पढ़ा था कि टिली स्मिथ एक 10-year-old स्कूल गर्ल है जो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। और वहाँ पर क्या होता है कि टिली को महसूस होता है कि वहाँ पर अर्थक्वेक सुनामी आने वाली है, और वो उसने ज्योग्राफी के जो लेसन पढ़ा हुआ था, उसके टीचर ने जो पढ़ाया था, उसकी नॉलेज से वो अपने फैमिली और काफ़ी लोगों की लाइफ बचा लेती है। तो उसी के चैप्टर के उस पर बेस पर हमें आज एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, सपोज यू आर एट बीच, मान लीजिए आप समुद्र के किनारे पर हो। सडनली यू हियर अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो, अचानक से आपको रेडियो पर सुनामी के जो चेतावनी सुनाई देती है, आप सुनते हैं। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द सेंटेंसेज यू थिंक विल हेल्प यू एस्केप सुनामी, उन सेंटेंसेज के सामने टिक कीजिए जो आपको, आप सोचते हैं कि आपको सुनामी से बचा पाएंगे। क्रॉस द वंस डेट आर नॉट रेलिवेंट, और उन सेंटेंसेज के सामने क्रॉस मार्क कीजिए जो आपको लगता है कि सही सेंटेंसेज नहीं है आपको सुनामी से बचाने के लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, रन द अवे फ्रॉम द बीच, बीच से समुद्र के किनारे से दूर भागना। तो ये क्या है, इट इज अ राइट सेंटेंस, तो इस पर हम टिक कर देंगे। सेकेंड क्या, स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स, बीच पर रुकना लहरों को देखने के लिए, तो ये रॉन्ग है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी जान गंवा देंगे। थर्ड क्या है, क्लिम टू द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, एक ऊंची सी बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाना, तो ये क्या है, सही, इससे आप बच सकते हैं। और जैसे कि टिली स्मिथ की फैमिली भी थर्ड फ्लोर पर चली गई थी, इससे वे बच गए। वॉर्न अदर पीपल, दूसरों को चेतावनी देना, ये भी राइट है। रिलैक्स आफ्टर द ट्रेमर्स आर ओवर, जब सुनामी के या भूकंप के झटके जब ख़त्म हो जाते हैं तो आपको रिलैक्स, आराम महसूस करना चाहिए, मतलब आप कहीं भी घूम सकते हैं, तो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि दोबारा से ट्रेमर आ सकते, दोबारा सुनामी अर्थक्वेक आ सकती है। टेक अ बोट एंड गो टूवर्ड्स द सी, एक बोट को लीजिए और सी की तरफ जाइए, ये तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से सुनामी आ जाए। तो यहाँ पर इसमें तीन जो सेंटेंसेज है वो राइट हैं और तीन सेंटेंसेज रॉन्ग हैं। आगे हम पढ़ते हैं बी क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स, नीचे दी गई जो निम्नलिखित लाइन है लेसन से उसे पढ़िए। गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन अ कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, कॉलम ए में जो सेंटेंस वो वर्ड्स दिए गए हैं उनको मैच कीजिए कॉलम बी के सेंटेंस से। हिंट क्या है, द इमेज डिस्क्राइब्स टिलीज रिएक्शन व्हेन ही सो द वार्निंग साइंस इन द सी, यह इमेज है वो डिस्क्राइब करती है टिली के रिएक्शन को जब वो चेतावनी के संकेत देखती है समुद्र में। तो यहाँ पर क्या है, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, स्क्रीम माने क्या होता है, चिल्लाना, टिली ने चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली को, वो बोली कि टू गेट ऑफ द बीच, की बीच से हमें भाग जाना चाहिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने एक अर्थक्वेक की बात की, भूकंप की बात की समुद्र के तट पर, और जो अर्थक्वेक होता है समुद्र के तट पर उसे हम क्या बोलते हैं, सुनामी। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सेड हर मदर पेनी, उसकी माँ बताती है कि वो बहुत और हिस्टेरिकल होगी। हिस्टेरिकल को हिंदी में हम बोलते हैं उन्माद, और हिस्टेरिकल एक ऐसा बिहेवियर होता है कि आप पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते हो कि, और आपका अपने ऊपर बिल्कुल को कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा आप तब करेंगे या तो आप कोई अपना इमोशन आप दिखाना चाहते हो या आप कोई एक्साइटेड हो, आप उत्सुक हो कुछ करने के लिए। और यहाँ पर जो टेली थी वो डरी हुई थी और डरते डरते वो चिल्ला रही थी कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। आई डिडंट नो वट अ सुनामी वॉज, उसकी मम्मी बोलती कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मेरी डॉटर को इतना डरे हुए देखकर, फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, डरना, डरे हुए देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन,
मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बहुत सीरियस होने वाला है, तो इसको आप मैच करेंगे। इसमें क्या ए क्या फ्राइटेंड, फ्राइटेंड क्या होता है, डरना, और डरने को हम इसमें बी ऑप्शन में क्या है स्केयर्ड, तो इसको हम मैच कर देंगे स्केयर्ड से, इसको हम फ्राइटेंड को मैच कर देंगे हम स्केयर्ड से। स्क्रीम का क्या मतलब होता है, चिल्लाना, और शाउट का मतलब भी क्या होता है, चिल्लाना, तो सेकंड को हम मैच कर देंगे बी के फर्स्ट ऑप्शन से। और हिस्टेरिकल उन्माद को क्या होता है, शाउट इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे, इसको हम थर्ड के बी को हम मैच कर देंगे। आगे हम सी ऑप्शन पढ़ते हैं, सी क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें क्या है, अ वीडियो डेट टिली वॉच्ड इन हर जियोग्राफी क्लास हेल्प्ड हर सेव मैनी लाइफ्स, जो वीडियो टिली ने अपने जियोग्राफी की क्लास में देखी थी उसने काफ़ी जिंदगियों को बचाया। शी रोट अ लेटर टू थैंक हर जियोग्राफी टीचर, वो एक लेटर लिखेगी, उसने एक लेटर लिखा अपने जियोग्राफी टीचर को धन्यवाद देने के लिए। कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड इन इटैलिक्स, उस लेटर, इस लेटर को कंप्लीट कीजिए जो वर्ड्स आपको इटैलिक्स में दिए गए हैं। इटैलिक्स मतलब थोड़े से टेढ़े जो वर्ड्स हैं, जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनसे हमें लेटर को कंप्लीट करना। चलिए लेटर को पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर एड्रेस है एक्स वाई जेड स्ट्रीट पुकेट थाईलैंड। यहाँ पर आपने डेट, आपको पता है कि डेट कब, सुनामी कब आई थी उधर, 26 दिसंबर 2004, और ये लेटर लिख लिया है 28 दिसंबर 2004 को, दो दिन बाद में। यहाँ पर डियर, डियर के बाद आ जाएगा डियर सर। तो यह क्या है, शुरू करते हैं। यहाँ पर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, क्या आएगा, थर्ड फ्लोर सेव फैमिली या थैंक यू, थैंक यू। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू, मैं ये लेटर आपको धन्यवाद देने के लिए लिख रही हूँ। यूअर वैल्यूएबल लेसन हेल्प मी डैश मैनी लाइफ्स, आपके बहुमूल्य पाठ ने मुझे कई लोगों की जान बचाने में मदद की। तो बचाना क्या होता है, थर्ड फ्लोर होता है, सेव होता है, सेव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेव। योर वैल्यूएबल लेसन सेव्ड हेल्प मी सेव मैनी लाइफ्स। आई हैव कम टू, वो कहाँ आई हुई थी, आई हैव कम टू थाईलैंड, मैं कहाँ आई हुई थी, थाईलैंड आई हुई थी, विद माई, किसके साथ आई हुई थी, फैमिली, विद माई फैमिली टू सेलिब्रेट क्रिसमस, मैं अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई हुई थी क्रिसमस को सेलिब्रेट मनाने के लिए। वेन द सुनामी स्ट्रक, जब सुनामी टकराई, मतलब जब सुनामी आई, मी एंड माई फैमिली वर एट डैश, मैं और मेरी फैमिली क्या थे, थर्ड फ्लोर सेव फैमिली थैंक यू थाईलैंड बीच रन, भाग रहे थे या बीच पर थे, वी वर एट बीच, यहाँ पर क्या जाएगा, बीच, हम समुद्र के किनारे पर थे, क्योंकि वो रिजोर्ट था, रिजोर्ट कहाँ पर था, वो बीच के पास था। आई नोटिस द वार्निंग साइंस इन द सी, मैंने जो खतरे के चेतावनी वाले संकेत थे जो सी में, उसको मैंने नोटिस किया, उसको मैंने ऑब्जर्व किया। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड टोल्ड एवरीवन टू डैश अवे फ्रॉम द बीच, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और सभी को मैंने बताया कि आप बीच से कहाँ चले जाएं, बीच से भाग जाएं। तो यहाँ पर थर्ड फ्लोर क्या आएगा, रन, क्या आएगा यहाँ पर, रन। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड टोल्ड एवरीवन टू रन अवे फ्रॉम द बीच, वी रश टू डैश ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड, वो कहाँ चले गए थे, थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, क्योंकि लास्ट ऑप्शन एक यही बच गया, थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड। आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन, मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ, और आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। Yours sincerely, Tilly Smith। यहाँ पर ऐसे हमारा लेटर कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में आपके लिए, आपको पता है क्योंकि कोविड महामारी चल रही है, पेंडेमिक चली हुई, तो आपके लिए एक अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है, जिसे हम कैप बोलेंगे, उचित बिहेवियर, उचित जो आप व्यवहार करेंगे, क्या है वो, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, और आपको मास्क भी पहने रखना है। तो यहाँ पर जो हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स, एंड कीप कोचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत।